मैम द लाइफ मूवी को लेकर क्या कहना चाहेंगी? आज एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से मुखातिब हैं। पहले तो सबको नमस्कार, सलाम, आदाब, क्योंकि हम शूट ही करने जा रहे हैं ऐसी जगह, तो वहाँ पे आदाब वर्जे तो ज़रूर चलता है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। द लाइफ की बात करें तो लाइफ में हमेशा अप डाउन होता रहता है, तो मूवी का बेस क्या है, स्टोरी क्या है? एक्चुअली द लाइफ ये है कि ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो ऊपर कैसे आते हैं, धीरे 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 ऊपर आते हैं। तो लाइफ का मतलब ये होता है कि आप अकेले नहीं चलते, सबको साथ लेके चलते हैं। उनमें परिवार होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप नहीं जानते, तो यही ज़िंदगी है। मैम द लाइफ में आप किस तरह से जुड़ी हैं, आप बताना चाहेंगे अपने बारे में? द लाइफ में मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ, और ये जिन्होंने लिखी है हार्ट टचिंग स्टोरी है, ये उन्होंने एक अपना दिल निकाल के रख दिया है, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम अंसारी। ये हमारे राइटर हैं, जिन्होंने उनका ड्रीम है ये प्रोजेक्ट, और हम भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबी से, तफसील से ये चीज़ें उन्होंने बयां की हैं कि लाइफ से शुरुआत से एंड तक लाइफ क्या होती है। उन्होंने ये दिल खोल के रख दिया है, है ना जावेद? आप सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये सबकी लाइफ के बारे में ही है, जो सबकी ज़िंदगी से क्या क्या गुजरी है, वही सिनेमा है लाइफ। देखिए ज़िंदगी है ना छोटी सी होती है, उसे कहते हैं ज़िंदगी, उर्दू में, इंग्लिश में लाइफ होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन ज़िंदगी अगर हम खुशी खुशी जिएंगे तो वो ज़िंदगी होती है, और एक इंग्लिश के वर्ड से अगर हम बोलेंगे लाइफ तो या वी आर लिविंग अवर लाइफ, और ज़िंदगी कहेंगे तो कैसे कहेंगे, हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो डिफरेंसेस है, वो अभी आप नोटिस कीजिए क्या है। मुझे ज़्यादा नहीं पता। सर आप कहानी के बारे में बताना चाहेंगे जिस तरीके से? नहीं, कहानी के बारे में तो नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं जो सिनेमा है लाइफ, जो हमारी फिल्म का टाइटल है, और ये एक ट्रू स्टोरी पर है, और एक आम इंसान को किस तरह रहना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में क्या गुजरी है, बस यही है। अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? मेरा एक बहुत अच्छा करेक्टर है, नेगेटिव भी है, कॉमेडी भी है, और मैं खुश हूँ उस करेक्टर, और आई थिंक मैं खूब मेहनत करूँगा ताकि पब्लिक को अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं अफरोज खान, म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म का हूँ। द फिल्म का जो बहुत प्यारा नाम है द लाइफ, और ये हकीकत है कि हम सब की ज़िंदगी ईश्वर बहुत लंबी करे, और देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिल्म के माध्यम से एक अच्छा मैसेज दें। हमारे बीच आज हमारे बड़े ही मैं बिग फैन हूँ मैं अपने भाई का, उस्ताद सलामत अली साहब, जिनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और जो अभी इन्होंने रोमांटिक गाना गाया द लाइफ का, द लाइफ फिल्म के लिए जो आपने सवाल किया, ये हकीकत बात है, ये बहुत ही रियल स्टोरी है। और इसमें जो एक बच्चा है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सुधीर पाटिल साहब और गौरव पटेल जी, गौरव पाल जी, ये हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो यकीन जानिए कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और इसके जो सिद्दीकी भाई ने गाना लिखा है, रोमांटिक गाना, सारे फिल्म के पूरे गाने उन्होंने लिखे हैं, अहमद सिद्दीकी साहब, और ये जान जाइए कि कोई बनावटी बात नहीं, स्टोरी रियल स्टोरी है द लाइफ पे। और इसमें जो लड़का इंट्रो हो रहा है, मेरी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उस बच्चे का नाम है आयुष पाटिल, और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे फैंस मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं चैनल के माध्यम से, इस फिल्म, जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो इस बच्चे को ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। और उस्ताद मोहम्मद सलामत साहब, जिनका आप सब जानते हैं कि उनका जो एक बम्पर द लेजेंड सॉन्ग, मैं उस गाने का ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हम दिल दे गुस्सा, आप लोग सब जानते हैं, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने हर फिल्म में उस्ताद मोहम्मद सलामत साहब को गवाता हूँ। और जो आज रोमांटिक सॉन्ग नमीदानम आप लोग को मैं पूरा नहीं सुनाऊँगा, बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया सब जानती है। बहुत जल्दी ये फिल्म रिलीज़ होगी, और हमारे भाई साहब कुछ कहेंगे इस बारे में। सलामत साहब, सबसे पहले तो
नमस्कार जी जी बिल्कुल, हमारे अफरोज भाई ने तो सब बता ही दिया आपको। बाकी बहुत ही खूबसूरत नगमा है और बहुत अच्छे लिरिक्स जो है अहमद सिद्दीकी जी ने लिखा है और अफरोज खान जी भाई ने बहुत अच्छा कंपोज़ किया है और मुझे बहुत मज़ा आया ये गाना गाने में। नमी दानम नमी दानम इज़ ब्यूटीफुल सॉन्ग और ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये गाना ज़रूर हिट होगा। आप सब सुनिए और द लाइफ फिल्म है और वो जो है तो जो हीरो है मेरे सामने थे तो उनको मैंने बोला कि आप कुछ बोलिए तो उनके ऊपर वॉइस बहुत अच्छी जाएगी। मैंने थोड़ा सा वॉइस को चेंज करके गाया हूँ क्योंकि वॉइस का स्ट्रक्चर जो है ना, मैंने अफरोज भाई से पूछा कि इसको थोड़ा गा सकता, दो लाइनें गा सकता हूँ मैं। हाँ नमी दानम सिर्फ इतना ही गाऊंगा। बाकी बहुत ही ये तो फर्स्ट सॉन्ग पहला सॉन्ग था जो मुझे अफरोज भाई ने बुलाया और ये गाने के लिए। मैं एक्चुअली बाहर था तो मुझे कॉल आया था अफरोज भाई का ये गाना रिकॉर्ड करना है तो मैं कल ही आया हूँ बॉम्बे में और फिर आज मैं इनका गाना रिकॉर्ड किया। तो फर्स्ट सॉन्ग सर लोगों को कब तक ये मूवी देखने को मिलेगी? देखिए ये फिल्म तो इस महीने के 20 से 25 तारीख के बीच में ये जा रही है शूट से और मेरे ख्याल में 2023 अक्टूबर नवंबर में रिलीज होगा इंशाल्लाह। अगर शूट की बात किया जाए तो कहाँ कहाँ शूट होगा, लोकेशन के बारे में जानना चाहिए? ब्रदर ये पूरी फिल्म जो है उत्तर प्रदेश में शूट होगी क्योंकि स्टोरी वहाँ की रियल स्टोरी है द लाइफ और ये पूरी फिल्म यूपी में ही शूट होगी और जिसमें जो जो हमारे गौरव जी ने बताया कि फिल्म का मोस्टली लोकेशन ऑल आर्टिस्ट शाहबाज भाई हैं, इसमें जावेद हैदर साहब है इस फिल्म के अंदर, बड़े बड़े करेक्टर हैं और ये फिल्म लखनऊ और जो भी आसपास का इलाका है वो लखनऊ के इर्द गिर्द ये शूट होगी। द लाइफ में चार गाने हैं, चार सॉन्ग हैं और पूरे स्टोरी वाइज ये पूरा सॉन्ग है। इतना नहीं कि किसी में सात डाल दो आठ डाल दो, ऐसा कुछ नहीं, चार सॉन्ग है। चार सॉन्ग में हमारे जो सिंगर हैं पांच है इस फिल्म के लिए। हमारे सलामत जी ने पहला गाना गाया, इसके साथ पामेला जैन जी हैं, तरन्नुम मलिक जी हैं, साधना सरगम जी हैं और राजा हसन जी इस फिल्म के सिंगर हैं। चार गाने में पांच सिंगर हैं और हम तो हमें सबसे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बड़े भाई ने शुरुआत की इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सबको जो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं संजय राम डायरेक्टर एंड पूरे टीम की तरफ से, आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए निकाला। और द लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि एक सोशल इशू ड्रामा फिल्म है जो कि लखनऊ में पूरे शूट हम लोग लखनऊ में करने वाले हैं जो कि एक फीमेल ओरिएंटेड है, बोल सकते हैं कि एज ए सोशल ड्रामा है। आज समाज अपने सोशल में जो समाज में जो लड़कियों के प्रति जो गलत भावनाएं हो रही हैं उनके साथ जो गलत हो रहा उससे रिमूव करने के लिए कि हाँ हम समाज को एक नया शुद्ध और एक अच्छी से जो समाज की जो है कल्पना कर सकें, एक फ्री बोल सकते हैं कि समाज में एक नया योगदान हो, एक लड़कियों के प्रति हमारी सोच जो हो एक पॉजिटिव हो क्योंकि बिकॉज वो हमारी माँ बहन भी हैं, सब कुछ है हमारे लिए। हाँ कुछ नए का कारण है बट वो हम लोग ये प्रोजेक्ट लास्ट 3 ईयर से प्लान कर रहे थे, करते करते बहुत सारी रुकावटें आईं, रुकावटों के बाद करते करते अब जाकर फाइनल हुआ। बट बोथ आर अ गुड एक्टर, दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं, थिएटर आर्टिस्ट है, ऑलरेडी उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही डेडिकेटेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। जैसा आपने इसमें हाँ अभी शहबाज सर हैं और जावेद जी हैं और भी हैं, कुछ हैं एक्टर अच्छे हैं वो भी आने वाले हैं बड़े काफ़ी कास्ट के। That life, एक टाइटल बहुत प्राइम टाइटल है। सर लाइफ में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी जो है दोबारा जीने का मौका नहीं देती है, इसलिए ज़िंदगी के हर मोमेंट को हमें इस तरह से जीना है कि वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। कहानी के बारे में बताना चाहेंगे? सर कहानी में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि जो लड़कियों के खिलाफ जो समाज में जो बुराइयां हैं और किस तरह से मतलब उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि मान लो
एक सिंपल एक ऐसी लड़की की कहानी है ये कि किस तरह से वो मतलब स्ट्रगल करती है और किस तरह से ज़मीन से आसमान तक का उसका सफ़र है वो दिखाने की कोशिश की है हमने और किन किन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है, तो उसकी जो लाइफ है उसी को हमने दिखाने की कोशिश की है और ये एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। ओके अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी फिल्म का पार्ट हूँ द लाइफ जिसका नाम जिसके नाम से मतलब हम सबकी ज़िंदगी चलती है क्योंकि लाइफ के बारे में, और मुझे ये लगता है कि हमें पर्सनली अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपकी लाइफ का हर एक मोमेंट हर एक लम्हा इतना कीमती है इतना ज़्यादा वैल्यूबल है, तो उस चीज़ को हमें आई थिंक मुझे ये लगता है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारी लाइफ का एक एक पल बहुत कीमती है हमारे लिए, तो इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि व्हाट इज़ लाइफ, तो इसीलिए हमारी फिल्म का टाइटल है द लाइफ एंड आई एम सो ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस द लाइफ फिल्म, और बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे हीरो का पहला डेब्यू है, तो विश यू वेरी वेरी लक, ढेर सारा बधाइयाँ आपको पहले से ही। मैं इस फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है माया, और आप लोग मैं तो अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप सो आप लोगों को भी मेरा ये रोल बहुत पसंद आएगा, आपको माया बहुत पसंद आएगी। मैंने 2007 में अपने करियर का स्टार्ट किया था एक बहुत छोटी सी फिल्म से जो पहले लोकल सीडी फिल्में बनती थी, मेरी पहली फिल्म से मुझे यूपी की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उस फिल्म से मेरी करियर की जो जर्नी है स्टार्ट हुई, एक फिल्म मिली दूसरी मिली तीसरी मिली चौथी मिली, सो आई हैड वन लॉट ऑफ फिल्म इन हरियाणा। उसके बाद आई केम टू मुंबई, मुझे मेरा पहला शो मेरा फर्स्ट टीवी पे डेब्यू डीडी नेशनल से था, उसके बाद मैंने कलर्स पे शो किया जी टीवी पे किया, साथ निभाना साथिया मेरा भी चल रहा था साथ निभाना साथिया 2 स्टार प्लस पे, अभी मैं डीडी वन का एक शो कर रही हूँ कॉर्पोरेट सरपंच, ऑल्सो आई एम डूइंग अ प्ले विद पुनीत सर जी एंड हमारा एक बहुत बड़ा ह्यूज प्ले आने वाला है जिसका नाम है जय श्री राम जो 20th को लॉन्च है, और बहुत सारा प्रेशर है काम का भी, अभी एक शुमारू का शो कर रही हूँ, कलर्स का ससुराल सिमर का मैंने अभी जस्ट ख़त्म किया है, डोलियर मानो की साथ निभाना साथी एंड दिस आपके आ जाने से सजन रे फिर झूठ मत बोलो लॉट ऑफ थिंग्स इवन आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई हैव डन बिफोर। आपने काफी सारा काम किया काफी एक्सपीरियंस आई थिंक ये तो ये बताएंगे, इस सवाल का जवाब आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, थोड़ा सा रहता है क्योंकि एक एक्टर के साथ एक वो कोऑर्डिनेशन एक कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा क्योंकि ट्यूनिंग बनाने में आपको एक दूसरे के साथ में एक मुझे ये लगता है कि आप जितना एक दूसरे से ओपन हो दोस्ती अच्छी हो आप खुल के रहें तो काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि अगर वो मुझसे हेजिटेट होंगे या मैं उनसे हेजिटेट होंगी तो शायद वो हम बॉन्ड ऑन स्क्रीन लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, तो उसके लिए जी जितना शर्मीले हैं इनको थोड़ा अपना शर्मीलापन कम करना पड़ेगा, बहुत कम बात करते हैं ये। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में आपको जिस तरीके से इसमें आ जाएगी जी सर क्या नाम से स्टार्ट करें। मेरा नाम आयुष पाटिल सर, ये मेरी पहली फिल्म है और ऐसा कह सकते द लाइफ यहाँ से मेरे लाइफ की शुरुआत हो रही है और इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो I'm really excited. अरे सब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने एक बेहतरीन लाइफ चेंज करने की जैसा आपने कहा द लाइफ में से क्या आप अभी आपके लाइफ में क्या कुछ चेंज हुआ है? जी लाइफ में चेंजेस एक अलग कॉन्फिडेंस आता है इस चीज से सेंटर लुक देखो और जी तो मैसेज ये है कि सर हम इस मूवी से ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ आपको बार बार जीने का मौका नहीं देती, तो अपने लाइफ के हर मोमेंट्स खुल के जीजिए खुल के जीए या इट्स वन लाइफ बेसिकली वन लाइफ ये एक लाइफ है हमारी, और मैंने देखा है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे इंडस्ट्री में ऐसे होते रहते हैं कि लोग अपने अपनी लाइफ से अपने करियर से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान होकर इतनी ब्यूटीफुल चीज़ को मतलब ऐसे ही जाने देते हैं फॉर नो रीज़न, वो नहीं जानते वो नहीं समझते क्योंकि वो तो अपना डिसीजन ले चुके होते हैं अपनी लाइफ में, बट उनके पीछे उनकी फैमिली की लाइफ कैसी हो जाती है, तो प्लीज़ आने वाली टाइम में मैं जिनको भी मैसेज मेरा जाएगा उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले एक बार अपनी फैमिली की लाइफ के बारे में ज़रूर सोच लें क्योंकि ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। पटेल साहब आप एज ए थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, इसके बाद आप पहले पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं फिल्म की जी
कैसा सफर रहा थिएटर और फिल्म को लेकर? जी सफर तो बहुत बढ़िया रहा, अभी सफर और खूबसूरत हो जाएगा इस फिल्म के बाद। जी थैंक यू सर। मैं सुधीर पाटिल एज ए प्रोड्यूसर, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है कि जिसका टाइटल है द लाइफ, यानी ये हमारी भी लाइफ है, पूरे यूनिट की लाइफ है, और एज ए हीरो आयुष पाटिल उसकी भी लाइफ है। तो इससे एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक लड़की के ऊपर पूरी फिल्म जा रही है। सर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आयुष पाटिल जो कि यंग और एक्टर हैं, इस मूवी से डेब्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आयुष पाटिल फर्स्ट डेब्यू कर रहे, तो इसमें ऐसे कि एज ए कैरेक्टर अमर निभा रहा है, तो इसमें मतलब उसकी भी एक लाइफ बन जाएगी। सर शूट की बात करें तो कहाँ पर शूट? ये पूरा शूट हम स्टार्ट टू फिनिश लखनऊ करने जा रहे हैं। सर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आपका करंट? जी नमस्ते, गौरव पाल। ये प्रोजेक्ट हम यूपी में लखनऊ में शूट करेंगे, जो कि इसको यूपी के फिल्म बंधु में अप्लाई किया गया है और जल्द ही सब्सिडी के लिए भी मिल जाएगी, और ये पूरा शूट जो है लखनऊ के इर्द गिर्द ही होगा, और इसको जल्द से जल्द शूटिंग स्टार्ट करेंगे। सर प्रोड्यूसर पाटिल सर और एक्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म में जितने भी एक्टर होंगे वो जाने माने कलाकार ही होंगे इंडस्ट्री से। और सॉन्ग जहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? इस फिल्म में 4 गाने हैं, टोटल 5 सिंगर है, और वो भी एक जाने माने हिंदी के अच्छे सिंगर हैं। सर आप क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी टीम? नमस्कार, मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, और द लाइफ है मतलब जैसे कि हर बार जिंदगी दोबारा चांस नहीं देती है, तो हम चाहेंगे कि इससे मैसेज जाए लोगों में कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। इस फिल्म में आपको एक्शन मिलेगा, रोमांस है, थ्रिलर है, पूरा पैकेज है, और बड़ी स्टार कार्ड अच्छी है, और मैं खुश नसीब हूँ ये दोनों जो प्रोड्यूसर हैं, मैं भी इनकी टीम का हिस्सा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और मेरे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हूँ। सर आप क्या